आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज की शाम की पेशकश तलाश जवाब की। मैं और मैं हूं आंचल मिस्कीन। हमारा आज का मुद्दा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस की फेलियर से जुड़ा है। जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में इन एफिशिएंसी की खबरें आप तक पहुंचाते हैं तो खैर काफ़ी बार वो गलियां या जगह जहां किसी की नज़र नहीं गई हो वहां तक की हालत को हाईलाइट करने के लिए कई बार आप यानी हमारे व्यूअर्स भी शेयर करते हैं। तो सोचिए कितना दुख होता है कि सिटी प्लानिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और सैनिटेशन जो एक अहम पहलू होता है उसे ही नज़रअंदाज किया जाता है। जिस तरह से शहर को उसकी बेसिक आइडियल स्टैंडर्ड के हिसाब से सहेजा जाना चाहिए उस तरह से वो मेंटेन नहीं किया जाता। इस पर आगे बात करें उससे पहले आपको कश्मीर के कुछ इलाकों से इसी फेलियर की एक झलक पहले दिखाते हैं। जो वीडियो आपने देखी वो पहलगाम के लैवेंडर पार्क की है जिसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी PDA यानी पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। यानी एक डिपार्टमेंट को काम सौंपा गया कि इस पब्लिक प्लेस को जहां लोगों का टूरिस्ट्स का आना जाना है उसे हर एस्पेक्ट से मेंटेन रखा जाए। पर यहां का नज़ारा कुछ और ही कहानी बता रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह लेफ्ट ओवर खाना यहीं पास में फेंका हुआ है। ये नज़ारा ऐसा दिखता है जैसे फेंकने वालों को पता ही नहीं है कि लेफ्टओवर मील्स, प्लास्टिक रैपर्स, यूज्ड प्लास्टिक स्पून्स वगैरह को कैसे और कहां डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इससे एक बात तो पक्का साबित होती है कि ये सीखने के लिए एजुकेशन भी मदद नहीं कर सकती। एजुकेशन भी एक इग्नोरेंट इंसान को सिविलाइज्ड नहीं बना सकती। इसी के जैसा नजारा अनंतनाग के पास हाईवे पर देखा गया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह बिजबिहारा हाईवे के पास ये सारा गंद डंप किया जा रहा है। क्या कंसर्न्ड अथॉरिटीज ने इसके लिए एक स्पेसिफिक जगह डेजिग्नेट नहीं की? वेस्ट डंपिंग के लिए क्या कोई प्लानिंग नहीं की गई? ये तो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट की वन ऑफ द बेसिक ड्यूटी है कि शहर के कूड़े को कहाँ डिस्पोज ऑफ करना है इसकी जगह निश्चित की जाए और कैसे किया जाए उसका पूरा प्रोसेस तय किया जाए। पर इस तरह का नज़ारा साफ दिखा रहा है कि ये बेसिक ड्यूटी भी सही से निभाई नहीं जा रही। इसके अलावा एक और बात सामने आई है। 2016-2017 में गवर्नमेंट ने खिरम दुरपोरा के रहने वाले लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाने के लिए एक बोरवेल के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जिस पर लगभग 1.5 करोड़ का खर्चा हुआ। पर 5 साल बीत चुके हैं और अभी तक PHE डिपार्टमेंट इसे काम में नहीं ला सका और यहाँ के लोग अभी भी इस बोरवेल के काम में आने की आस में बैठे हैं और PHE डिपार्टमेंट से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस बोरवेल को शुरू किया जाए। यहाँ के लोग दूसरी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं जिससे कई सवाल जुड़े हैं जिसका जवाब सिर्फ कंसर्न्ड डिपार्टमेंट ही दे सकती है। जैसे ये काम कब कम्प्लीट होकर फंक्शनल होगा या इतने साल क्यों डिले हुआ। दोस्तों देखने को तो 3 अलग अलग जगह है पर मसला एक ही नेचर का है विच इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस फेलियर। यहाँ हम कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से अपील करते हैं कि पहलगाम और बिजबिहारा हाईवे के पास जो कूड़ा बिखरा पड़ा है या डंप किया गया है या ऐसी बाकी जगह हैं उन्हें इंस्पेक्ट किया जाए और साफ किया जाए, क्योंकि कश्मीर जैसी सुंदर जगह पर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं और उन लोगों को इस तरह की मलिन छवि दिखाना ना यहाँ की इमेज के लिए सही है और ना ही यहाँ घूमने आए सैलानियों के एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि ये कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ से जाने के बाद टूरिस्ट ये कहे कि ऐसे सुंदर शहर को यहाँ के लोग, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन संभाल नहीं पाई। और इसी के साथ अगर खिरम दुरपुरा इलाके की परेशानी की बात करें तो उन लोगों तक, वहाँ के रहने वालों तक भी पानी पहुँचाया जाए और उसके लिए बोरवेल को जल्द से जल्द फंक्शनल किया जाए। शहर तभी खुशहाल और शांत बना रहेगा जब वहाँ के लोग खुश हों। बाकी बातों का तो पता नहीं पर कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके यहाँ के लोगों को इस एस्पेक्ट से खुश रखा जाए। तो इसी बात और इसी अपील के साथ हमारी आज की पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ या ऐसी ही किसी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।